भागलपुर की सुल्तानगंज प्रखंड के कुमारपुर में बड़ुआ नदी का तटबंध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गया और पूरा इलाका जलमग्न हो जाने से कई घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे आम लोगों के साथ साथ किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीणों की परेशानियों को दोगुना कर दिया है। वहीं तटबंध टूटने की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज BDO मनोज मुर्मू और CO शशि भूषण राय कटाव स्थल पर पहुंचे और इलाके का जायजा लेकर अधिकारियों को तटबंध को जल्द से जल्द दुरुस्त करने और लोगों को राहत सामग्री पहुंचाए जाने का निर्देश दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार से उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। बहुत ज्यादा परेशानी है हम लोगों को, ये पानी से सैकड़ों एकड़ जमीन का फसल बर्बाद हो गया, घर में पानी घुस गया है, हम लोग तबाह हैं, सरकार हमको मुआवजा दे। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर रेलवे ढाला के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल सुबह सुबह जब स्थानीय लोग गोपालपुर रेलवे ढाला के समीप से होकर गुजर रहे थे, तब इन लोगों ने रेलवे पटरी के किनारे अज्ञात युवक का शव देखा, जिसके सर पर गहरे चोट के निशान थे। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर इसकी शिनाख्त करवाई तो मृतक गोपालपुर का रोहित निकला, जो रात में अपने घर से लापता था। पुलिस ने रोहित के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के बड़े भाई राजकुमार यादव ने बताया कि मेरा भाई रोहित रात में ही घर से निकला था, रात में हम लोगों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। वहीं राजकुमार ने जमीनी विवाद में अपने पड़ोसी के द्वारा ही अपने भाई की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। फिर उसके बाद घर से वापस नहीं आया, रात में फिर हम गए देखने को, पापा गए थे खोजने के लिए कि तो ये नहीं मिले, फिर सोचे कि आ जाएंगे, आ जाते थे फिर तो सुबह में ग्रामीण सब जो उधर लेटरिंग करने के लिए जाते हैं तो वो सब आके फिर घर पे बताए कि ऐसा ऐसा आपका लड़का हुआ पटरी पे कटा हुआ है, तो हम सब जाके देखे तो ये रेलवे लाइन से या रेल पटरी से कोई ट्रेन से नहीं कटा हुआ है, ये जो है कि जीवन जागृति सोसाइटी ने चिकित्सकों के साथ संगोष्ठी की। संगोष्ठी में कम उम्र में होने वाले अकस्मात मृत्यु के बारे में बताया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करें, आखिर क्यों कम उम्र में ही लोगों की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने बताया कि घर में चिकित्सक का नंबर जरूर रखें ताकि इमरजेंसी पड़ने पर परामर्श ले सके। ये बात अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि साल में शरीर का एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए। वहीं डॉक्टर PB मिश्रा ने बताया कि अक्सर लोगों की मृत्यु हृदय रोग की वजह से होती है लेकिन लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी के घर में ऐसी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को चेकअप जरूर कराना चाहिए, लोग थोड़ी सी तबीयत बिगड़ने पर नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि बाद में यही चीज़ लोगों की जान ले लेता है। डॉक्टर आशीष सिन्हा ने बताया कि लोगों को साल में अपने शरीर का एक बार जाँच जरूर कराना चाहिए जिससे बीमारी का भी पता चल पाए और सही समय पर उपचार होने से ऐसी मृत्यु दर में कमी आएगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष अजीत सिंह, डॉक्टर PV मिश्रा, डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर आशीष सिन्हा, डॉक्टर मलयराज सहित SDRF के कमांडेंट ऑफिसर गणेश जी ओझा मौजूद थे। डेथ के ऊपर बताने वाले हैं, एनी सडन एक्सपेरिमेंट मतलब अचानक से कोई मौत हो जाती है तो वो लोगों को बिल्कुल काफ़ी चुपता है कि अचानक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति था अचानक से क्या हो गया, तो ये किस वजह से होती है, कैसे रोकथाम हो सकता है, किसी एक परिवार में किसी के साथ ये घटना घट जाती है तो उस परिवार के बाकी लोगों के साथ भी ये घटना घट सकती है, इसका चांसेस रहता है। मैं पिछले 12 साल से हार्ट से संबंधित काम कर रहा हूँ और हार्ट से संबंधित का मेरा मतलब है कि मैं हार्ट के जो ऑपरेशन होते हैं वो मैं करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैं उस पर जाना चाहूँगा जिसको हम लोग बोलते हैं सडन डेथ इन यंग, मतलब अचानक किसी की मौत हो जाना हर फैमिली में ये एक बहुत ही दुखद स्टोरी है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता है कि आप डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट करा सकें। तो अगर आपके या किसी आपके बगल वाले के आसपास के घर में अगर कोई पेशेंट या कोई आदमी जो पेशेंट नहीं है वो अचानक मर जाता है तो आप क्या करेंगे, तो ये आज जो हमारा टॉपिक हम लोग सब यहाँ डिस्कशन करने आए हैं वो ये बताने आए हैं सारे कॉमन सभी के लिए कि अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। चाहता हूँ लोगों को कि जब कोई विपदा पड़ती है तब लोग एम्बुलेंस का नंबर खोजने लगते हैं, तब डॉक्टर का नंबर खोजने लगते हैं, तब अपने दोस्तों को, ये सारे नंबर आप रखिए। आज के ज़माने में यो गुजरी हुई बात है कि डायबिटीज़ हमें नहीं होगा तो हाइपरटेंशन उस उम्र में होगा,
किसी को कभी भी कुछ हो सकता है, आप इमरजेंसी नंबर रखिए, अपने दोस्तों का नंबर रखिए, और सिर्फ आप नहीं रखिए, आप जब बीमार हो जाएंगे तो कौन खोजेगा उसको, ये व्यवस्था करके रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स को दीजिए, कहीं लिख कर रखिए कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कौन हेल्प करेगा। ये सबसे और कोई नहीं करता है, 90% लोग ऐसे नहीं हैं जागरूक की ऐसा रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आकस्मिक समय के लिए आप तैयार रहिए और उसके लोगों को बता के रखिए, अपने घर वालों को। भाजपा विजय मित्रा मंडल के द्वारा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके महामंत्री अमरदीप शाह ने बताया कि भाजपा विजय मित्रा मंडल के अध्यक्ष सुधीर भगत सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी पूरे देश में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जन्मदिन पखवाड़ा मना रही है। इस उपलक्ष्य में आनंदराम ढांडानिया सरस्वती विद्या मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना पीड़ितों की सेवा की है वैसे वॉरियर्स को अंगवस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु अगमानंद जी महाराज के साथ साथ भाजपा नेत्री प्रीति शेखर एवं दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता ने भाग लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना काल में जिन्होंने कोरोना का परवाह ना करते हुए कोरोना पीड़ितों की सेवा की है, उस कोरोना वॉरियर्स को और से कंपाउंडर को हम लोग सेवा सम्मान समारोह के अंतर्गत हम लोग अंग वस्त्र और आपका सम्मान सर्टिफिकेट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 71वें जन्मदिन के रूप में आज सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा, जिसमें ये जो एक पैंडेमिक आया था, जो एक महामारी वैश्विक महामारी आई थी, उसमें जो कोरोना वॉरियर के रूप में काम किए थे, ये स्वास्थ्य कर्मी हुए और भी बहुत से लोग हैं जो अपने स्तर पर कार्य किए थे, हम लोग उनको सम्मान देने का काम किया। ऐसे तो हम लोग कोई नहीं होते सम्मान देने वाले, क्योंकि वो लोग अपने जान जोखिम में डाल देती है। राज्य स्तर पर चल रहे बिहार फेस्ट का भागलपुर जिले का ऑडिशन भागलपुर कचहरी हनुमान नगर स्थित स्थानीय कोचिंग सेंटर में संपन्न हुआ। बिहार झारखंड के कुल 16 शहरों में ऑडिशन के बाद ये आखिरी ऑडिशन भागलपुर शहर में लिया गया। इसके अंतर्गत करीब 200 बच्चों और सीनियर्स ने अलग अलग श्रेणी सोलो डुएट और ग्रुप में अपना हुनर दिखाया। भागलपुर के ऑडिशन के साथ ही सिलेक्शन का पहला चरण पूरा हुआ। सेमीफाइनल और ग्रैंड फाइनल राउंड भी भागलपुर में ही संपन्न होंगे, जिसमें डांस प्लस सीजन 5 के फाइनलिस्ट सैंडी राय और मुंबई के नरेंद्र मंदा जज की भूमिका में रहेंगे। बिहार फेस्ट का पूरा आयोजन HD क्रू के द्वारा कोरियोग्राफर शशिकांत की देखरेख में करवाया जा रहा है।